कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा नुकसान एविएशन इंडस्ट्री को पहुंचाया है। कोविड के दौर में सरकारों ने सबसे पहली लगाम ट्रैवलिंग पर ही लगाई। इंटरनेशनल के साथ साथ डोमेस्टिक फ्लाइट्स की उड़ानें भी कोविड के दौर में लंबे समय तक रद्द रहीं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA के अनुसार इस दौरान दुनिया भर की एविएशन इंडस्ट्रीज को 31 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। भारत समेत कई देशों में अब डोमेस्टिक फ्लाइट्स शुरू हो गई हैं। हालांकि ज्यादातर इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर अब भी प्रतिबंध है। ऐसे में अब एविएशन इंडस्ट्री को उबारने के लिए IATA कोविड पासपोर्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। आइए जानते हैं क्या है कोविड पासपोर्ट और इससे आपकी यात्रा पर क्या असर पड़ेगा। IATA एक मोबाइल ऐप तैयार कर रहा है जिसे दुनिया भर में ट्रैवल पास की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। इस ऐप में यात्री के कोरोना टेस्ट, वैक्सीन आ जाने के बाद उसे वैक्सीन लगा है कि नहीं और यात्री के पासपोर्ट की ई कॉपी जैसी तमाम जानकारी होगी। कोविड के तेजी से फैलने की एक बड़ी वजह हर देश में इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वाले पैसेंजर्स थे। इस ऐप के जरिए अब इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वाले यात्रियों को ट्रैक करना आसान हो जाएगा और लोग वापस खुलकर ट्रैवल कर सकेंगे। साथ ही इससे एविएशन इंडस्ट्री को भी पटरी पर आने में मदद मिलेगी। IATA के अनुसार ऐप को मार्च 2021 तक एप्पल डिवाइस और अप्रैल तक एंड्रॉइड डिवाइस के लिए लॉन्च किया जा सकता है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।